नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। दोस्तों, जनरल साइंस के प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जनरल साइंस में भी कंप्यूटर, एक्सरे, जो भी जितने भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की और चिकित्सा और दूरसंचार के जो यंत्र हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न कई परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण जनरल साइंस के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन में किस प्रकार की तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं? पराश्रव्य तरंगे, एक्स किरणें, लेज़र किरणें या रेडियो किरणें? तो जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, शरीर पर एक छोटा सा छेद कर शल्य चिकित्सा करने की सुविधाजनक एवं आसान तकनीक क्या कहलाती है? शरीर पर एक छोटा सा छेद करके शल्य चिकित्सा करने की जो सुविधाजनक तकनीक है उसको क्या कहते हैं? न्यूरोसर्जरी, वैसेक्टोमी, एंडोस्कोपी या निश्चेतक? तो उसको एंडोस्कोपी, शरीर पर छोटा सा छेद करके जो शल्य चिकित्सा करने की जो सुविधा है उसको एंडोस्कोपी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक शहर में बैठे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा दूर अन्य किसी अस्पताल में बैठे डॉक्टर एवं रोगी को इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर उसी समय उचित सलाह देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेडिको इंटरनेट, टेली मेडिको, टेली सर्जरी या टेली मेडिसिन? तो इसको कहा जाता है टेली मेडिसिन। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का होस्ट कंप्यूटर क्या कहलाता है? इंटरनेट का होस्ट कंप्यूटर क्या कहलाता है? मेन फ्रेम, सर्वर, डाटा प्रोवाइडर, मॉडेम? तो इंटरनेट का जो होस्ट कंप्यूटर होता है उसको सर्वर कहते हैं। सही उत्तर इसमें सेकंड वाला, उसको सर्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया करने से पूर्व रोगी को दी जाती हैं दर्द निवारक दवाएं, निश्चेतक, एंटीपायरेटिक दवा, एंटीसेप्टिक? तो शल्य ऑपरेशन करने से पहले रोगी को जो बेहोशी की दवा दी जाती है उसको निश्चेतक कहते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के ऑप्टिकल फाइबर लाइन में संचरित होती हैं लेज़र किरणें, इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रासोनिक तरंगे और रेडियो तरंगे? तो टेलीफोन के ऑप्टिकल फाइबर लाइन में जो संचरित होती हैं वो लेज़र किरणें होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लिखित या मुद्रित सामग्री, प्रपत्र, फोटो, चित्र, प्रति को अन्य स्थान पर भेजने की द्रुतगामी विधि क्या है? ईमेल, फैक्स, टेलीग्राफ, एक और दो, दोनों? तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ईमेल और फैक्स दोनों है जो इसके काम में ली जाती हैं। टेलीफोन के माउथ पीस में स्थित डायफ्राम के पीछे उपस्थित कण होते हैं कार्बन के, जिंक के, लोहे के या लेड के? तो वो कार्बन के होते हैं। मोबाइल फ़ोन में कनेक्टिविटी के लिए लगाते हैं डेबिट कार्ड, पंच कार्ड, एटीएम कार्ड या सिम कार्ड? तो कनेक्टिविटी के लिए जो सिम कार्ड का उपयोग किया जाता है। सिम का पूरा नाम क्या है? SIM। सिम का पूरा नाम क्या है इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। सिम का पूरा नाम आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, किसी लिखित सामग्री, यह हो गया प्रश्न, ईमेल भेजने हेतु भेजने वाले के पास प्राप्तकर्ता का होना आवश्यक है? ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी, पासवर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है ईमेल एड्रेस। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने हेतु आवश्यक है मॉडेम, इंटरनेट सर्विस से जुड़ा होना, एक व दोनों, वेबसाइट? तो तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा, एक व दो, दोनों, मॉडेम और इंटरनेट सर्विस से जुड़ा होना आवश्यक है। इंटरनेट के आविष्कारक हैं ए ग्राहम बेल, थियोडोर मेनन, चार्ल्स बेबेज या फिर प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर? तो इंटरनेट के जो आविष्कारक हैं वो प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर हैं, वो इंटरनेट के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जन के लिए इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ हुई? 1969, 1989, 1991, 1995? तो इंटरनेट सामान्य जन के लिए प्रारंभ हुई थी वो 1989 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को किस सेवा प्रदाता द्वारा प्रारंभ की गई? भारत संचार निगम लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड? तो करेक्ट आंसर है चौथा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। कंप्यूटर से प्राप्त संकेतों को टेलीफोन लाइन से भेजने में योग्य बनाने वाले यंत्र को कहते हैं मॉड्यूलेशन, मॉडेम, मॉनिटर, इंटरनेट? तो उसको कहा जाता है मॉडेम। अगला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैक्स किस माध्यम से भेजे जाते हैं? विद्युत तार,
फाइबर ऑप्टिकल फाइबर, मॉडेम या इंटरनेट। करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, ऑप्टिकल फाइबर। किसी वेबसाइट को खोजने हेतु किसकी सहायता लेते हैं, मॉडेम की, सर्च इंजन की, ईमेल आईडी की या उपरोक्त सभी। तो वेबसाइट को खोजने के लिए सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। आपको कमेंट करना है कि गूगल क्या है, गूगल क्या है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। इन चारों में से गूगल किस श्रेणी में आता है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक वेबसाइटों का विस्तार में क्या जोड़ा जाता है, http www.com .com org। तो वाणिज्यिक वेबसाइटों में www.com ये वाला जोड़ा जाता है। सोनोग्राफी के दौरान ट्रांसमिसर द्वारा भेजी गई प्रसारित तरंगों के अंग विशेष से टकराकर वापस लौटने पर उन्हें क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स, इको, सुपरसोनिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो उनको कहा जाता है इको। लेजर के आविष्कारक कौन है, तो रोनाल्ड बेमन, यान टी डोनाल्ड, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन या थियोडोर मेनन। तो थियोडोर जो मेमन है वो लेजर के आविष्कारक हैं। लेजर क्या है, प्रसारित तरंगे, रेडियो वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक्सरे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। लेजर किरणों की विशेषता है, यह उच्च ऊर्जा युक्त होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।